Hi guys, good morning. What are your plans for the day? कैसे तुम बनाओगे मशरूम की सब्जी? अभी पहले स्टार्ट टू पार्ट्स हैं इसमें. पहले ग्रेवी बनती है, फिर मशरूम को बटर में फ्राई करके उसको मिक्स कर लेगा. तो ग्रेवी बनाने के लिए पहले मैंने तेल डाल दिया है और जीरा डाल दिया है. अभी मैं इसमें टमाटर डाल दूंगा सीधा, ताकि ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाए और ये गल जाए तेल में. ये तो छोटे छोटे प्याज हैं. हाँ, तो अभी काट के काट प्याज काट काट के डाल देने का. तो तीन टमाटर और दो बड़े प्याज डालने होते हैं, बट अभी क्योंकि मेरे पास सब कुछ मिनी मिनी है इसलिए मैं अप्रोक्सीमेट करके डाल रहा हूँ. अच्छा. जब ये गल रहा है तो ताकि सारे फ्लेवर एक साथ मिक्स हो जाए उसके लिए मैं डालूंगा कुछ गार्लिक, लहसुन. लहसुन डाल दिया मैंने. ओके, ताकि सबके पेट खराब हो जाए. कितना यम्मी लग रहा है ये. और फिर उसके बाद 10 एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 काली मिर्च के दाने, तेज पत्ता. ओके, एक आप इसमें आधा तोड़ के डाल दीजिए. ये लेना काजू, ये जो इसका मेन हाईलाइट ऑफ द डिश है. ओके, काजू लेने का मुट्ठी और डाल देने का. इसको मैं अगर सोनार की दुकान के पास ले जाऊंगी ना तो वो मुझे एक स्टड दे देगा गोल्ड का, ये सब्जी के बदले. ठीक है, जितना काजू तुमने इसमें डाल दिया है. एक चम्मच नमक छिड़क देने का ऊपर से. ओके, जल्दी जल्दी पक जाए. ठीक है, नमक डालने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है जिससे खाना जल्दी पकता है. ओह, साइंस फैक्ट. ये अदरक अच्छा लग रहा है तो इसका हम आधा काट देंगे. ओ ब्रो, दोस्तों ये जो है ये मेरी मॉम का किचन है. अगर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं. तो जब यहाँ से ये सिंक एरिया है, तो यहाँ पे जब भी ऐसे कोई खाद होती है, मतलब जो ये होते हैं ना मैन्योर, जो हम लोग टिपिकली गार्डन मैन्योर जो बनता है जो सब्जी के छिलके से और ये सब से चाय पत्ती एंड ऑल, तो मम्मी यहीं से ऐसे खिड़की खोल के वहीं पे कर देती हैं. मतलब टिपिकल यूटिलिटी हो जाता है. और फिर वो बहुत बार हमने ये भी देखा है कि जब खाद की ज़रूरत है तो फिर मम्मी इसमें से मट्टी उठा के अपने दूसरे वाले बालकनी में भी जो प्लांट्स हैं उसमें भी डाल देती हैं. ये मैंने अदरक काट लिए छोटे छोटे. ओके, ये छोटे हैं. बड़े अदरक डालने थे. ओ माय गॉड, ये करा मैंने. ये क्या डाल रहे हो तुम? लॉन्ग डाल रहा हूँ, लो टू मीडियम. मीडियम आँच पे पक रहा है. इसको ढकना क्यों है? ताकि ये सारे टमाटर गल जाए. ये काजू खड़े नहीं रहने चाहिए, ये काजू में टमाटर वगैरह का सब एसेंस इन्फ्यूज हो जाना चाहिए. तो अभी इसको ढकने के लिए हम बर्तन ढूंढेंगे. लग रहा है ये बर्तन, ये ढक दिया हमने. ये इसको बंद किए हुए अराउंड 15 मिनट्स हो गए हैं. और अब रोहित ने इसको दो बार बीच में खोल के चलाया भी था. चलाते रहे नहीं तो फिर टमाटर चिपक जाएगा. इतना यम लग रहा है. ये देखेंगे आप. फिर ये टमाटर देखिए, ये पूरा गल गया है. ऐसे ही सारे टमाटर हो जाने चाहिए. शुड बी एबल टू ब्रेक डाउन ऑल ऑफ इट. ये गरम है अभी. मैं इसको यूजुअली अगर रेसिपी फॉलो करेंगे तो रेसिपी के हिसाब से आपको इसको यहाँ पे 10 मिनट छोड़ देना चाहिए ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि आप गरम गरम पीस देंगे तो हो जाएगा टॉप. तो बट इसके लिए एक हैक भी है कि अगर आप जल्दी में हैं तो इसको बस डाल दें मिक्सर में और फिर ऊपर से एक कप ठंडा पानी डाल दें ताकि उसकी सारी गर्म हवा निकल जाए. तो अब इसको पीसना है. मुझे अभी बहुत गर्म है, मैं ये छू भी नहीं पा रहा हूँ. तो अभी इसमें हम डाल देंगे बस पानी का बॉटल है, पानी बस थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें. बहुत गर्म है तो या तो ये पीसेगा या तो आप बहुत बड़ा एक्सीडेंट विटनेस करोगे. ओह गॉड, ठीक है, पिस चुका है. थैंकफुली कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ. यस, तो अब ये, ओह माय गॉड, इट्स ओके. यार अभी से इसकी स्मेल देखेंगे तो बहुत अच्छी स्मेल भी आना. स्मेल देखेंगे कैसे? स्मेल देख लेंगे वो कैसे. इमेजिन कर लेंगे. ये ऐसा पेस्ट हो जाएगा, बहुत ही क्रीमी पेस्ट है क्योंकि काजू की वजह से
दिस इज अ हिंट कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी ऐसी होने वाली है। इसका बस थोड़ा कलर चेंज होगा क्योंकि हम इसमें सारे मसाले, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला डालेंगे, तो ये थोड़ा डार्क हो जाएगा, बट बाकी ऐसे ही रहेगा, कंसिस्टेंसी ऐसी रहने वाली है। आप इसकी कंसिस्टेंसी और भी पतली कर सकते हैं अगर पानी वानी डाल के, बट काजू के साथ पानी नहीं डालना चाहिए। ओके, ये हो गया, तो अब ये हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हम फ्राई करेंगे मशरूम, धुल के रखे हुए हैं मशरूम को, ज्यादा देर तक पानी में नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, विच इज नॉट गुड, बट ठीक है। अब ये होगी, ये हो गया तो हम सिखा लेंगे, फ्राई करते समय पानी निकल जाएगा। क्वार्टर क्वार्टर पीसेस कर दें, तो एक मशरूम से आपको चार पीस मिलना चाहिए। तो अभी हमने ये सारे मशरूम काट के रख दिए क्वार्टर पीसेस में, इतना बड़ा ढेर बन गया इसका। फिर निकाल लें आप अमूल बटर, टेस्ट ऑफ इंडिया, इसका ये स्टिक का मैं 3/4 यूज करने वाला हूँ, तो आप साइज कंपैरिजन देख लें, ये पार्ट पूरा। और फिर उसके साथ हम फ्राई करते समय मिर्ची भी डाल देंगे ताकि एकदम स्पाइसी बन जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। जितना बटर डालेंगे उतना ज्यादा टेस्टी भी बनेगा, तो आप कम बटर भी डाल सकते हैं अगर आप फैट कॉन्शियस हैं, या फिर आप फैट फ्री बटर भी यूज कर सकते हैं, बट टेस्ट इज नॉट गारंटीड, ऑफकोर्स फैट से ही टेस्ट आता है। 3 सीधी मिर्चियां दूंगा यहाँ पे, इसको मैं धोऊंगा अच्छे से, इसको मैं सेंटर से स्लिट कर दूंगा। ये अभी मैंने मिर्ची डाल दी इसमें ताकि मिर्ची थोड़ा थोड़ा तीखा बटर हो जाएंगे, खिलाते रहें ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। मैंने हाई हीट कर दिया है, अभी थोड़ा सा मशरूम के अंदर जो पानी एब्जॉर्ब हुआ तो वो भी निकलना स्टार्ट होगा। तो ये मशरूम का आप जो साइज़ दिख रहे हैं ये एक्चुअली बहुत श्रिंक होने वाला है अब, और ये पूरा कढ़ाई पानी से भर जाएगा। तो जैसा मैंने बोला था, ये कढ़ाई पानी से भर चुकी है, मीडियम हीट पे मशरूम फाइनली पानी छोड़ रहा है। तो जैसे ये पानी छोड़ रहा है, दिस इज प्राइम टाइम टू इसमें सारे मसाले डाल दें ताकि मसाले जले नहीं, वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। मेरी फिलॉसफी है कि हर खाने का एक मसाला बेस होता है, तो वो मसाला बेस फॉर दिस डिश इज चिकन मसाला, तो मैं ये भर भर के डालूंगा। एवरेस्ट चिकन मसाला यू आर यूजिंग? एवरेस्ट चिकन मसाला ऐड। ओके, स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करें प्लीज। कितना चम्मच डाला तुमने ये? दो भर के फुल चम्मच। ओके, इफ इन डाउट 3 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक बाद में भी डाल सकते हैं, अभी मैं थोड़ा सा डाल दे रहा हूँ ताकि खाना जल्दी बने। फिर उसके बाद कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर। अच्छा, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच। ओके, हो गया। तो जो ये स्मेल आ रही है ना, इट इज लाइक मशरूम मसाला। It smells exactly like mushroom. तो अभी जैसे मशरूम पकने वाले हैं जस्ट, तो अभी पक गए ऑलमोस्ट, बट ठीक है। तो अभी इसको आगे बढ़ने से पहले हम इसमें ये ग्रेवी डाल देंगे। ओहो, मैंने मशरूम के अंदर डाल दिए, तो थोड़ा मिक्स करें ताकि मशरूम में जो पहले हमने मसाले डाले थे वो ग्रेवी में भी थरली मिक्स हो जाएं। हर आप खाने में जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा चीनी रहता है, जस्ट टू मेक श्योर कि सब्जी सिर्फ तीखी नहीं है, थोड़ा सा यू नो मोर ब्रेड थे फ्लेवर में, तीखापन है, स्वीटनेस है, थोड़ा गार्लिक की वजह से थोड़ा हॉटनेस और फिर गरम मसाला की वजह से भी रहेगा। तो अभी इसमें दिख रहा है कि पानी कम हो गया है, इसमें पानी उड़ चुका है पूरा का पूरा। इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। ओके, यू सेव द गरम मसाला फॉर दिस। हाँ, गरम मसाला को ज़्यादा पकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये होममेड गरम मसाला है जो मम्मी ने बनाया है, बट आप एवरेस्ट का भी डाल सकते हैं। तो इससे गरम मसाला डालने से सब्जी का कलर एकदम थोड़ा डार्क हो जाएगा। यम्मी।
थोड़ा ग्रीनी इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ा डालेंगे ग्रीन पीस मतलब मटर, ताकि दोस्तों बहुत टेस्टी है मशरूम के साथ। मशरूम को मटर बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। मशरूम मटर मसाला तो आपने सुना ही होगा हर रेस्टोरेंट के मेन्यू में। अच्छा, तो हम वही करेंगे, थोड़ा मटर भी डाल देंगे एक मुट्ठी, ताकि कॉम्प्लीमेंट हो कलर में, येलो के साथ ग्रीन अच्छा लगता है, ऐसे मेरे भाई साहब बोलते हैं। हाँ, तो ये रोहित फ्रोजन मटर डाला है मैंने, फ्रोजन मटर डाला है दो मुट्ठी भर के। तो अब ये नीचे से पकड़ भी रहा है, तो इसमें अभी मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगा। फ्रोजन मटर तुमने डायरेक्टली डाल दिया है इसमें, तो पकेगा क्या वो? ये फ्रोजन मटर इसमें पकेगा 10 मिनट। ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी है। और अब रोहित इसको ढक देगा ताकि मटर पक जाए फटाफट। ओके, विल डू दिस फॉर हाउ मेनी मिनट्स रोहित? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स इज इनफ। ओके, लोगों को बॉइल्ड पसंद है, फ्राइड पसंद है, मेरे को बॉइल्ड पसंद है, तो मैंने बाद में डाला। आपको अगर फ्राइड पसंद है तो आप मशरूम के साथ ही डाल दें।